नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एव्हरीथिंग एच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आजची व्हिडिओ जी आहे ती एक मी मॅच खेळलो होतो एक 2-3 महिन्यापूर्वी, तर त्या मॅचचे हायलाईट्स आहेत आणि एका खास व्यक्तीकडून मला एक मॅन ऑफ द मॅच मिळालं होतं. तर ती खास व्यक्ती कोण आहे ती बघण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. सुयोग ने केवल 26 गेंदों में 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है. तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा. बाजी अब देखिए, जिस खेल के लिए जाने जाते हैं सुयोग अब तक अपना हाथ नहीं खोला है. पटकी गेंद, आसान गेंद, इसी गेंद का इंतजार था. गेंद देखिए काफी लंबे सफर पर निकल चुकी है, जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. मसन जगर्स की ओर से गजानन और सुयोग अब स्ट्राइक पे हैं. सुयोग बढ़िया स्ट्रोक, छोटी गेंद थी हालांकि बहुत जल्दी पोजीशन में आ गया, उस गेंद को पुल कर दिया स्कोर लेके समय 4 रनों के लिए. दिया था बल्लेबाज सुयोग ने, फिर से एक बार उसी दिशा में उठाकर मारा है, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं. गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. संदीप की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की समय उठाकर मारा है संदीप उस गेंद के पीछे, और प्रयास काफी बड़ा और कड़ा था मगर गेंद उनसे पहले सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची है 4 रनों के लिए. अपने बल्लेबाज दीपक, काफी जबरदस्त खिलाड़ी है दीपक, ऑलराउंडर खिलाड़ी है. संदीप की अगली गेंद, धीमी गति गेंद बल्ले के बीच बीच लगती हुई, कमाल का स्ट्रोक, हाफ वॉली पर खेला है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. बहुत जल्दी उस गेंद के लेंथ को पढ़ लिया था बल्लेबाज सुयोग ने, अपने पाले में जैसे ही पाया उस गेंद को सीधे बल्ले से पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर 6 रन. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहां पे गेंदबाज संदीप के द्वारा पढ़, अच्छी तकनीक, अच्छी रणनीति यहां पे बल्लेबाज सुयोग के द्वारा. सुयोग देखिए केवल 7 गेंदों का सामना करते, 2 चौके और 2 छक्कों की सहायता से बना चुके हैं 21 रन. स्ट्राइक पे होंगे दीपक, बढ़िया ड्राइव कहां पे देखने को मिलती हुई, वैसे एक बार पटकी गेंद मगर इस बार गलती नहीं की सुयोग ने, गेंद की लेंथ को और गति को बहुत जल्दी भांप लिया और उस गेंद को हुक कर दिया, गेंद जा पहुंची है बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए. स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की सहायता से 30 रन. फिर से एक बार उसी दिशा में एक और जबरदस्त प्रहार 6 रन. फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, लगातार तीसरा स्ट्रोक उसी दिशा में और उसी दशा का निर्धारण करते हुए लगातार 3 छक्के जड़े हैं एक ही दिशा में बल्लेबाज सुयोग ने. इस बार कवर्स की दिशा में होम गेंद है, अश्मित उस गेंद की तरफ लपके हैं मगर गेंद बढ़िया स्ट्रोक, इस बार फिर से रूम बनाकर खेला है अश्मित वहां पर मौजूद. अश्मित यहां पर गलती करते हुए तर होते हुए यदि हम बात करें सुयोग की सलामी की बल्लेबाज है, केवल 13 गेंदों का सामना करते 43 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग खेल दी है. यहां पर सुयोग ने हाहाकार मचा दिया है अपने बल्लेबाजी से, फील्डिंग करने वाली खिलाड़ी को टीम को. बढ़िया ड्राइव, कमाल का स्ट्रोक, इस बार बैकफुट पर गए, रूम बनाया, गेंद को धकेला है कवर और पॉइंट के बीच से. अस्मित जब तक दौड़े दौड़कर फील्ड करे बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया, इसे केवल 5 कदम दूर है अपने अर्धशतक से. फुलटॉस गेंद, कड़ा प्रहार, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, गेंद विजेंद्र को चकमा देती हुई जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 4 रन. थैंक यू. अब देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माचिस तो ऐसे ही बदनाम है, आग तो यहां पे बल्लेबाज सुयोग ने लगा रखी है पूरे मैदान में, एक जलजला आ चुका है धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सुयोग.
कमाल की तकनीक। इस बार देखिए टेम्परामेंट कितना जबरदस्त है, अपना अर्धशतक पूरा किया है सुयोग ने, जबरदस्त बल्लेबाजी, कमाल का टेम्परामेंट, क्या कहने इस बल्लेबाज की। तकनीक तो लाजवाब है, जैसी गेंद है उस तरीके से बल्लेबाजी होती है, जिस दिशा में गेंद है उसी दिशा में खेला है। अब देखिएगा जैसा रोग वैसा उपचार, जैसी गेंद वैसी बल्लेबाजी सुयोग के द्वारा, कमाल है, काबिले तारीफ बल्लेबाजी होती है। सुयोग के बल्ले से धुआंधार रन आ रहे हैं, रनों की गति बढ़ गई है, रन बन नहीं रहे, रन बह रहे हैं, रनों की आंधी आ चुकी है, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 55 रन एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि पांच ओवर चलता हुआ अभिनव की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए, चहलकदमी करते हुए उठा कर दे मारा है गेंद जाती हुई सी वाले के बाहर, एक टप्पा खाकर चार रनों के लिए। और यदि सुयोग इसी ढंग से बल्लेबाजी करते रहे बिना रोक टोक के तो जल्द ही देखिए रनों की सुनामी आनी। फिर से एक बार स्ट्राइक पेंगे सुयोग, पटकी हुई गेंद, इस बार घुमाकर खेलने की कोशिश, यहां पे कोशिश नहीं, कोशिश पूरी होती हुई गेंद जाती हुई फाइन लेग के समय सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। जिस अंदाज में सुयोग बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा स्कोर खड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहां पे देखिए पाले में गेंद को पाया, कड़ा प्रहार किया, सीधे बल्ले से गेंद जाती हुई एक टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। काफी कमाल की बल्लेबाजी होती हुई उठाकर मारा है गेंद, फिर से एक बार उड़ती हुई जा पहुंची है आउट ऑफ द पार्क छह रनों के लिए। धन्यवाद। अब देखिए यह तय करना मुश्किल हुआ कि सुयोग किस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे, क्या यह कमाल डीजे का है या मेरे कमेंट्री का या फिर गेंदबाज के गेंदबाजी का। यहां पे देखिए धुआंधार बल्लेबाजी होती है, इतनी धुआंधार की धुआं निकल गया है, जबरदस्त बल्लेबाजी। सुयोग कुछ अलग ही योग पर यहां पे बल्लेबाजी करने आए हैं। यहां पर देखिए आईबीसी के सभी गेंदबाजों की सोच ने सोचना बंद कर दिया होगा, कुछ इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सुयोग। ओहो, इस बार अच्छी गेंद थी संदीप की, मगर उतना ही खूबसूरत खेला है कलयुग के सारे बल्लेबाज सुयोग ने। ये है समझदारी, ये बुद्धिमानी वाली बल्लेबाजी, ये अंधाधुन बल्लेबाजी नहीं है, ये गेंद के अनुसार लिया गया निर्णय है, गेंद के चरित्र के अनुसार खेला गया स्ट्रोक है, जो कि ये दर्शाता है कि कितना जबरदस्त टेम्परामेंट है सुयोग का। एक बार बुद्धिमानी यहां पे दिखाई है दीपक ने, एक रन लिया और स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया है द डेंजरस मैन, द मैन इन फॉर्म सुयोग। अभिनव और सुयोग ये दो खिलाड़ियों का महामुकाबला मैदान के भीतर चलता हुआ, कदमों का इस्तेमाल, गेंद देखिए बल्ले के बीचों बीच लगी, बढ़िया संपर्क एक मधुर ध्वनि के साथ गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर छह रन। अब देखिए सुयोग की बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त हो रही है कि सुयोग के खिलाड़ी बाहर निकल आए हैं और लगातार ये कोशिश है कि जो गेंद बाहर गई वो जल्दी जल्दी अंदर आ जाए। बल्लेबाजी अकेले सुयोग कर रहे हैं, मगर बल्लेबाजी को सपोर्ट देके उनके खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए कर रहे हैं। ये है जादू सुयोग के बल्लेबाजी का। सुयोग ने अपने बल्लेबाजी से यहां पे सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है, जबरदस्त बल्लेबाजी सुयोग की। कड़ा प्रहार, स्ट्रेट ड्राइव, बॉटम हैंड का यहां पे इस्तेमाल करते हुए केवल एक रन आता हुआ यह है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सुयोग को गेंद करें तो करें कहां, कहां डाले ताकि सुयोग के बल्लेबाजी पर नियंत्रण पाया जा सके, मगर यहां पे जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जिस तकनीक से। दीपक के लिए अगली गेंद उठाकर मारा, इस बार दीपक के बल्ले से आता हुआ एक लंबा बहुप्रतीक्षित छक्का छह रन। ऐसा बजाइए ताकि यहां पे देखिए, जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो यहां पे सुयोग की बल्लेबाजी देखते हुए अब दीपक ने भी अपने हाथ खोल लिया, छह रन आते हुए स्कोर जा पहुंचा है 107 रन, शतक पूरा कर लिया है वसंत जैगवर्स की टीम ने, बहुत बहुत अभिनंदन। एक और लगातार ताबड़तोड़ 6 रन आता हुआ, ये गूंज केवल मैदान में नहीं, मैदान के बाहर वसंत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में भी गूंजेगी। गेंद जा पहुंची है फ्लैटेड 6
दीपक के बल्ले से आता नहीं है, जरूर वहां से फोन आएगा, उठाकर मारा है यहां पे लाजवाब स्ट्रोक और गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स के छत पर आकर गिरती हुई। हर एक खिलाड़ी अपने कदमों के ऊपर खड़ा है। आड़े बल्ले से खेला है, अभिनव को बीट करती हुई गेंद जा पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के। अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे संदीप कमेंट्री बॉक्स एंड से और देखिए कौन है स्ट्राइक पर, द डेंजरस मैन सुयोग उठाकर मारने की कोशिश, मिस टाइम कर गए, मिड ऑन के सिर के ऊपर से जाती गेंद, संदीप वहां पे मौजूद, यहां पे दूसरा लेने की कोशिश, दीपक की फुर्ती देखिए, तेजी से दो रन पूरा कर लिया और अपने साथी खिलाड़ी को स्ट्राइक पर लाए हैं, शतक बनाने का मौका है। स्कोर जा पहुंचा है 131 रन, केवल 20 रन चाहिए। आईबीसी के सभी टूर्नामेंट्स में से इस टूर्नामेंट का स्कोर हाईएस्ट है इस टीम के द्वारा बनाया गया। लॉन्ग ऑफ के समय खेला है, केवल एक रन आएगा, अत्यधिक सर्वोच्च स्कोर है पूरे संस्करण के दरमियान। 19 गेंदों में 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, केवल दो कदम दूर थे अपने अर्धशतक से। तोते हुए स्कोर जा पहुंचा है 133 रनों का अंबार लगा दिया है वसंत जैगवर्स के टीम ने, शानदार बल्लेबाजी की। सुयोग ने केवल 26 गेंदों में 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा एक शानदार बल्लेबाज का। यहां पर जितने खिलाड़ी हैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे खेल का आप लोगों ने जरूर आनंद उठाया है तो ऐसे खिलाड़ी का अभिनंदन भी होना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। 26 गेंदे हैं और 26 गेंदों में बनाए हैं सुयोग ने 82 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी। आज तो अंपायर अलग से करने की जरूरत नहीं, अंपायर ने इतनी बार हाथों को ऊपर उठाया है कि अनुलोम विलोम भी उसमें हो चुका है। इस मैच को काफी जबरदस्त अंदाज में जीता है। पहा या ठिकाणी संकटने ते स्टंप गोळा करा आणि त्याच ठिकाणी ठेवा प्लीज। और इस मैच को जीत लिया है वसंत जैगवर्स की टीम ने। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैन ऑफ द मैच से, इसके पश्चात मैच नंबर 6 जो खेला गया था वसंत ग्रुप और आईबीसी शार्प के बीच में, और उस मैच के मैन ऑफ द मैच है वसंत ग्रुप के सुयोग। जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए, 26 गेंदे और 82 रनों की वो पारी जो आज भी इस मैदान की सर्वोच्च पारी है। तालियां नहीं आ रही है। देखिए क्या होता है कि ट्रॉफी कितनी खूबसूरत हो मगर उस ट्रॉफी को लेते जब तालियां बजती है ना उसकी गूंज अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। आईबीसी प्रीमियर लीग के चैंपियन है इस वर्ष के, आमंत्रित करना चाहूंगा मैं वसंत जैगवर्स की पूरी टीम को और खासकर कप्तान नागेश यादव जी को, और मैं अनुरोध करूंगा सभी अतिथिगणों को कि वो अपने शुभ हाथों से कर कमलों से इस टीम को सम्मानित करें। इस वर्ष के चैंपियन है वसंत जैगवर्स की टीम, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा इस टीम का। देखिए यहाँ पे पानी मत भेजिए प्लीज, सर विनंती है पानी नका पाठवू, आपल्याकडे वेळ कमी आहे प्लीज। बॅट्समनला पाण्याची गरज होती तरी तुम्ही बरंच पाणी पाजताय, इथे त्यांनी पाणी बाजू बाजू मारले आणि तुम्ही त्यांना पाणी पाजताय।